हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्प्राउटेड मूंग दाल और चना दाल सैलेड की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये एक हाई प्रोटीन सैलेड है। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने स्प्राउटेड चना दाल और स्प्राउटेड मूंग दाल ली हैं, एक कटोरी। आधी कटोरी बंद गोभी ली है, जिसे मैंने इस तरीके से काट के रख लिया है। दो कलियाँ लहसुन, एक हरी मिर्च, एक मीडियम साइज प्याज, आधी मूली, आधी गाजर, आधा चुकंदर, आधा खीरा, आधा टमाटर। और जो मैं मसाले इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार और चाट मसाला स्वादानुसार। आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी सामग्री को इस तरीके से छोटा छोटा काट के रख लिया है। इसमें मैं नींबू का इस्तेमाल भी करूँगी, पहले मैं नींबू बताना भूल गई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, ये एक हाई प्रोटीन इम्यूनिटी बूस्टर सैलेड है, जिसे आप किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्प्राउटेड मूंग दाल और चना दाल को बाउल में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूं, मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, चुकंदर, हरी मिर्च, लहसुन। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और थोड़ी सी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। इस सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें सजावट के लिए हरे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी स्प्राउटेड चना दाल और मूंग दाल सैलेड रेसिपी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।